Let's go. Breaking news ये है कि सहवाग सर हमारे बीच हजारने वाले हैं। आज पूरा पहाड़ का खाना बनाया, बहुत जल्दी हो रही है, लोग तैयार हो गए, मैं नहीं हुआ। अब मैं भी तैयार होता हूँ। Finally, समरोड गोया हमारे साथ। मंगल हेलो एवरीवन, नमस्कार प्रणाम आबाद मेरा, कैसे हैं आप लोग। आई रियली होप कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और आफ्टर सो लॉन्ग टाइम के बाद मैं ब्लॉग डालने जा रहा हूँ। एक मंथ हो चुका है चैनल पे कुछ आया नहीं है क्योंकि कुछ प्रिपरेशन चल रही हैं और अंदर आप आवाज़ सुन रहे हैं, शो की तैयारी चल रही है, प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है एंड देन वी आर पैकिंग दीज ऑल थिंग्स। और चलो मैं आपको मिलाता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए देखिए काम चल रहा है। वाह क्या बात है। हाय हाय शान सर, क्या चल रहा है? मजदूरी। उसके अलावा क्या चल रहा है? काम 25 है सर। हाय सर, कैसे हैं आप? इन्होंने ये आग लगाई है। हाँ इन्होंने ये आग लगाई है। अभी अंदर मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी लेकिन एनर्जी का सोर्स दिया है कुणाल भाई ने मुझे। थैंक यू सो मच सर। हमारी पैचिंग क्वीन राकेश जी इन द हाउस। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा सामान अभी फिलहाल आपको बिखरा हुआ दिख रहा है लेकिन हम लोगों ने बहुत मेहनत की इसको बिखारने में, बिखराने में। सो हंसी का देखिए मैं कितना हंसाता हूँ लोगों को, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता हूँ इन सबका। एक्चुअली मेरे गले में बहुत खिरखिर हो रही है, ऐसे खिरखिर। तो अभी हम लोग लास्ट टाइम शो करके आए सीतापुर से जहाँ हम दोबारा जा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा ठंडा था। अब मैं बना रहा हूँ कॉफी, मैं नहीं मेरी दोस्त बना रही है कॉफी फॉर मी। थैंक यू सो मच, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। हेलो हेलो टू एवरीवन। ये भी लग रही है चुड़ैल, एक नंबर की चुड़ैल है ये। और आप देखिए ये तो अभी मैं आपको समरौन बॉय से भी मिलाऊंगा। समरौन बॉय आपने गाना तो सुन ही लिया होगा, व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग। अगर नहीं सुना तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दूंगा, समरौन गाना जरूर सुनिएगा। और समरौन का क्या मतलब है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जी आगे मेरी कॉफी, हमने भी हुआ सर। देखिए इस पियानो को तो कौन नहीं पहचानता होगा, राइट? शकुन आदे एंड सारे गाने इसी पे शूट हुए हैं। मेहनत हटा दे, रॉकेट आ दे, बहुत मेहनत है। हटा दे, चल आराम से आराम से। रुको रुको, यस यस, देखो बढ़िया, वहां पर जगह नहीं थी ना। मेहनत बस बस, आप सिर्फ स्टेज तक ही सीमित ना रहिए। कितनी मेहनत यहाँ बिहाइंड बिहाइंड होती है, यहाँ पे कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। अब इसके अंदर से क्या निकलेगा? इसके अंदर से निकलेगा जादू। देखा आपने मेहनत की? कितनी मेहनत लगी है? बहुत मेहनत लगी है भैया आपको। देखो उस समरौन बॉय, समरौन बॉय भी काम कर रहे हैं। समरौन बॉय आपको दिखाऊंगा मैं। चलिए फिर और सामान लेके आते हैं। ये सारा सामान जाएगा ये। इसमें क्या है? मतलब काम, ये देखिए देखिए काम करने को कोई पीछे नहीं रहता यहाँ पे। देखिए ये देखिए, लड़कियाँ भी लड़कों से कम थोड़ी ना है। शाबाश, वेरी गुड। ये देखो जरा मेहनती बच्चे। अरे आराम से भाई, सपोर्ट ही नहीं इसके लिए कुछ ना। बारिश लेकिन हमने फिर भी सामान डाल दिया, ऑलमोस्ट इतना सारा सामान है। बोले पहले प्रिपेयर किया था कि हम लोग जाएंगे 2 बजे लेकिन अब देखते हैं, ऑलमोस्ट 3:30 या 4 बजे तक हम लोग निकल पाएंगे यहाँ से और देखते हैं क्या होता है। बाकी बारिश गड़गड़ाहट, लेट्स गो क्या होता है। वो देखो पीछे सारा सामान हो रहा है पैक, पीछे सामान हो रहा है। अभी तक ये कमरा हरा भरा था, अब देखिए खाली खाली। ऑलमोस्ट डन हो चुका है सामान, सारा पैक हो चुका है। गाड़ी जाने वाली है, वो है एक यूटिलिटी, एक है स्कोडा और एक है इनोवा। सीन ऐसा हुआ कि नरकुटा में गाड़ी टक्कर हो गई है, टक्कर। एंड हियर इज द ट्रक ब्रो, और ये है हमारी स्कोडा का टैंकर है। देखिए कौन सी साइड खड़ा है, हम इस साइड ही खड़े थे। गाड़ी का हाल आपको दिखाता हूँ, ये हाल, ये पूरा उड़ चुका है बहुत ही अच्छे से और इधर बहुत गंदा डेंट है। अगर मैं साइड से दिखाऊँ तो आपको दिखेगा, ये देखिए। हाँ यार भाई जी, तो ऐसा कुछ देखते हैं क्या होता है। लाइट बच गई बस, बाकी तो सारा भचका बना हुआ है। तो अभी आते आते हम लोगों का थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है,
जस्ट बिकॉज ऑफ गाड़ी पीछे से किसी ने टक्कर मार दी. बहुत ही अच्छा झटका फील हुआ हमें पर हम तीनों को. हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि गलती हमारी नहीं थी, इसलिए हंसी आ रही है. और दूसरी बात ये कि जो ट्रक वाला था भाई साहब के साथ कोई था नहीं बंदा. इतनी संक्रिया रोड है और पता है कि 24 घंटे गाड़ियां चल रही है उसमें, लेकिन नहीं रखेंगे वो. तो जितने भी लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं, आगे यात्रा जो चल रही है तो सेफ गाड़ी चलाएं आगे पीछे से. और हाँ, अपनी गाड़ी में कैमरे जरूर लगा के रखें क्योंकि आपके पास प्रूफ होना बहुत जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल सही. क्योंकि कल की डेट में अगर आपकी गाड़ी में कैमरा नहीं और ठोक दिया और उसने बोल दिया कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तुम क्या दिखाओगे? लोग भी नहीं है वहां पे ना. बिल्कुल, हमारे पास प्रूफ. और आर्मी वाला आया था उस टाइम पे, आर्मी वाले अंकल ने कहा कि मैंने उसको हाथ भी दिया कि पीछे गाड़ी है, लेकिन उसने नहीं सुना. वो बहुत तेजी से आ रहा था, उसने फिर कम स्पीड की एंड देन फोड़ दी. वो तब रुका जब उसने मैं ठोका. तो आपने गाड़ी देखी होगी अभी, तो कुछ ऐसा सीन शॉट रखा है. तो आप प्रूफ जरूर रखें अपने पास. स्टे सेफ और गाड़ी बहुत सही चलाएं क्योंकि लोग बहुत गंदी गाड़ियां चला रहे हैं. हेलो दोस्तों, अभी हम लोग फंसे हुए जाम में. जो हमारा ब्लॉगर है उसकी थोड़ा एनर्जी आज डल हो रही है. क्यों हो रखा है ऐसा? कुछ नहीं, कुछ कुछ ना कुछ में कुछ है खो गया है कहीं, और कुछ में जो बहुत कुछ हो चुका है. yes. तो जाम में जाम नहीं लगा है, जाम लगा हुआ है. जाम नहीं लगता, जाम तो नहीं लगता है लेकिन जाम लगा हुआ है. ये आगे आप देख सकते हैं, आधे घंटे से तो ज्यादा हो गया हमें यहाँ पे. 9:30 हो रहे हैं अभी टाइम. देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं वहाँ हम लोग. क्या पता जो हमारे साथ अनिरुद्ध जो ब्लॉगर है उसकी होगा, क्या पता उसकी एनर्जी भी वापस आ जाए. बहुत ही ज्यादा लंबा जाम है यार ये, पता नहीं कितना और टाइम लगेगा जाने में. रात के 2:30 बजे. कहाँ जा रहे हो? 2 बजे. वही तो यार, लगे हैं रास्ते भाई सब. जय शिव शंभो बोले ना. फाइनली यार हम लोग पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट. माय गॉड, रात के बज रहे हैं 3 और 3 बजे हम लोग पहुंचे हैं अभी. बहुत ज्यादा सफर का जो जोर का थप्पड़ पड़ा है ना हमारे पे भाई, बहुत ही ज्यादा. और अब तक लोग जा ही रहे हैं रास्ते में, जा ही रहे, लिटरली जा ही रहे. अब देखते हैं क्या होता है, खाने का सीन शॉट देखते हैं क्या होता है. और सब के लिए सब आ चुके हैं. यस, हम नॉट बॉयज एक्साइटेड. अब देखते हैं कि क्या होता है कि हाफ में उतरे थे सब और लास्ट मन की जैकेट निकल चुकी है सबकी, ऑरेंज नीले. और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट 3 बजे. यस, अब कर रहे हैं हम नाश्ता. दीपक भाई बड़ा खतरनाक सफर है, क्या बात है भाई जी. What is up? Good morning everyone. रात को 3:30 बजे हम लोग सोए हैं और अब जाके मैं उठाऊं. अभी हो रहा है 11:30 सुबह के, और अब देखते हैं क्या होता है. बाकी भाई लोग कुछ खाना वो कर रहे हैं. सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया. बेचारे सब ने सामान उतारा गाड़ी से, लेकिन मैं तब तक सो रहा था. जब दीपक भाई का फोन आया तब उठा मैं, फिर ऊपर आ देखा कि सारा का सारा सामान अनलोडेड हो चुका था. अब लोग नाश्ता कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ. ईशान भैया गुड मॉर्निंग. ईशान भैया को देखिए, सबसे पहले नाश्ता लिया भाई साहब, क्या बात है भाई. सबसे पहले उठा दो हेलीकॉप्टर देख. ये था हमारा पूरा टोटल ओवरऑल सामान, देख रहे हो आप. ये लाइट का थोड़ा इशू है यहाँ पे, लेकिन ये था, ये पूरा सामान है हमारा. कितना खाती है यार ये. यस, ये है मेरा नाश्ता. सुबह मैंने लिया आलू का साग, थोड़ी सी दही, दही ज्यादा नहीं ली क्योंकि थोड़ा जुकाम लगाया, पूरियां. और उदित भाई के साथ मैं आज नाश्ता कर रहा हूँ, क्या बात है. उदित भाई स्वाणी मुखड़ी सजली गिना कमा की नथुली, कैसा लगा यहाँ के? अच्छी, अच्छा प्लेस है ना, क्या बात है. शुभारम्भ, अब हम लगाएंगे सामान, देखते हैं क्या होता है. दो सब बेस मॉनिटर्स एंड टॉप्स, ये कुछ इस तरीके से लगेगा. ऐसा कुछ नहीं है अभी तो. आपको वायरिंग का जब खेल देखोगे ना आप लोग, वायरिंग इतनी भयंकर होती है ना, मतलब लिटरली. वैसे तो ये उत्तराखंड में कोई यूज नहीं करता, जब यूज होगा आप देखना, बहुत वायरिंग होती है भाई. और हमारी जो टेक्निकल टीम्स है वो है शिवानी पैनल. ये देखिए जादू, ये है हमारे लाइव साउंड का जो मेन हार्ड है, दिस इज कॉल्ड हार्ड. और दिस इज द फ्रंट, देखा है अपने लोगों ने कभी ऐसा? ये है हमारा हार्ट. और पैचिंग पे है हमारे साथ शिवानी, जो कि हमारी टेक्निकल हेड है. हमारा टेक्निकल सारा यही देखती है ईशान भैया के बाद. और ये लग रहा है यहाँ पे, ये है हमारा, ये इनर्स के पोर्ट्स हैं, ये आपके इंस्ट्रूमेंट और वोकल के पोर्ट्स हैं. बाकी ये सारे जो एम्पलीफायर हैं, सारे स्पीकर्स, और ये
और ये सारे वोकल्स एंड जो हाइज होती है उनको कम करने के लिए, मतलब बहुत सारा मुझे पता नहीं एक्चुअली में ये होता क्या है। तो इन पे सबके नाम लिखे हुए आप देख सकते हैं, ये दीपक लिखा हुआ है इसमें, दीपक भैया का इनर, ये सबके टैग्स करके नाम लिखे हुए हैं इन पे, ऐसा ऐसा इन पे भी 6 नंबर 4 नंबर करके ऐसा कुछ डाला हुआ है, कुछ ऐसा ऐसा सीन है। मतलब ये हमारा हार्ड है, इससे सारा का सारा साउंड जो है मॉनिटर हो रही है। तो अभी हो रहा है 1:01 बजने वाला है और हमारा साउंड अभी ऑलमोस्ट लग ही रहा है। कीज का स्टैंड जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, मिडी फर्स्ट मिडी सेकंड एंड दैट कीज आप देख सकते हो, बहुत हैवी है इसकी कीज इंटरफेस और ये सब। इलेक्ट्रिक ड्रम्स आर हियर, वो भाई के पास भी मिडी है। मैं खड़ा हूँ राजगद्दी में, ये है हमारे ड्रम्स, एलएसएस, कीज और ये हम लोग, ये थोड़ा सा ऊपर है और इधर सब लैपटॉप वगैरह सब लग चुका है। लेट्स सी क्या होता है। फिर मैं थोड़ा सा साउंड चेक किया, उसके बाद ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट चेक हो चुके हैं, हमारे वोकल्स रह गए और अब इशा मैं कर रहे हैं अपना ढोल चेक। राकेश जी तुम तो हिमालय चढ़ गए यार। ब्याज जी हमारे हिमालय चढ़ गए यार, क्या बात है। फाइनल स्टेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। टॉप सब बेस दो स्पीकर उधर हैं एंड दैट इज अवर ढोल। ये बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट है यार, मतलब हमारे उत्तराखंड में बहुत ही प्रसिद्ध इंस्ट्रूमेंट, इसे कहते हैं ढोल दमो। तो ऐसा कुछ सीन छोड़ो, अप्रोक्स हमने 2.5 घंटे या 3 घंटे हम लोगों ने साउंड चेक किया, उसके बाद चाय पी रहे हैं। आप मेहमान भी आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सहवाग सर हमारे बीच पधारने वाले शनिवार। हाँ, ये बंदा छक्का मारेंगे आज, और करूंगा मैं पर हमारे बीच लड़कियां टिक ऑफ करने के लिए बहुत तभी तो तुमको यहाँ पे रखा हुआ है। वही तो बात है ब्रो, वेटिंग फॉर सहवाग जी, देखते हैं क्या होता है आगे। तो हमारा टीकाकरण कर रही है, बहुत ही प्यारा सा। द लास्ट टर्न इज सहवाग सर, बहुत ही जल्द आने वाला है। तुमको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वीरेंद्र सहवाग सर आ रहे हैं। अभी देखिए आप भी देखिए, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। और नाउ द कार इज कमिंग,